दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम का सीजन शुरू हो चुका है। बच्चे हो या बूढ़े, हर उम्र के लोग बड़े ही प्यार से आम खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्यों ना खाएं, इतना लजीज और मीठा जो होता है, इसीलिए तो इसे फलों का राजा कहते हैं। दोस्तों, आम को हमें जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसके फायदे ही इतने हैं। दोस्तों, आम खाने के बाद हमें इसकी गुठलियों को अक्सर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम के गुठलियों में आम से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको आम की गुठलियों के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताऊंगी जिसे जानकर आप आम की गुठलियों को फेंकने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आम की गुठलियों के औषधीय गुणों के बारे में। दोस्तों, आम की गुठली पेट के रोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर औषधि मानी जाती है। इसके लिए आप आम की गुठलियों को धूप में सुखाकर इसका बारीक चूर्ण बना लीजिए और इसके साथ बेलगिरी का चूर्ण और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर इस चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। ऐसा करने से पेट के कई रोग नष्ट होते हैं और गैस अफारापन मिटता है, साथ ही बदहजमी यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। दोस्तों, सिर्फ आम की गुठली का पाउडर पानी के साथ सेवन करने से अर्श और बवासीर नष्ट होती है। इसका सेवन करने से बवासीर में खून आना बंद होता है, साथ ही आम की गुठली के पाउडर का सेवन करने से रक्त का प्रवाह सामान्य बनता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आम की गुठलियाँ मोटापे को दूर करती है। जी हाँ, आम की गुठलियों के पाउडर का रोजाना सेवन करने से शरीर की आंतरिक चर्बी कम होती है और शरीर कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित रहता है, जिसके कारण वजन कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही दोस्तों, आम की गुठलियाँ दांतों के कई प्रकार के रोगों को दूर करती है। इसके लिए आम की गुठलियों के चूर्ण के साथ आम की सूखी पत्तियों को जलाकर इसकी राख को मिलाइए। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर सुबह और शाम दंत मंजन करें। ऐसा करने से दांतों के कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, इससे दांतों का पीलापन दूर होता है, साथ ही दांतों की सफेदी भी बढ़ती है। दोस्तों, आम की गुठलियों में फैटी एसिड, मिनरल्स और विटामिन्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इसलिए आम की गुठलियों के तेल को 1 महीने तक बालों पर लगाने से बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना बंद हो जाता है। इसके अलावा आम के पेट की छाल और आम की गुठली को समान मात्रा में लेकर इसे कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए और इसमें नींबू का रस मिलाकर कुछ दिनों तक सिर पर लगाने से बालों की जुए नष्ट होती है। साथ ही आम की गुठली के पाउडर में थोड़ा सा नमक मिलाकर दही के साथ सेवन करने से महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, आम की गुठली का पाउडर और हरद चूर्ण दोनों को समान मात्रा में लेकर दूध के साथ मिक्स करके एक लेप बनाइए और इस लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द में राहत मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।